खूबसूरत बात की। उनने कहा साइकोलॉजिस्ट ना, साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं एक औरत बेवकूफ कब बनती है? मर्द नहीं बनता, औरत बन जाती है। औरत में अल्लाह ने एक मादा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? इसको कहते हैं हिस्सी मादा, इसको इंग्लिश में इसके लफ्ज़ है हिस, महसूस करना, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है उसके लिए फीलिंग, और एक और लफ्ज़ भी है बहुत प्यारा लफ्ज़ है सेंस। हाँ, सेंस का मादा है उसमें, सेंस का मादा है। वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी पिक करती है। मसलन 10 मर्द यहाँ खड़े हैं और एक औरत यहाँ बैठी हुई है, एक ने भी गलत अंदाज से देखा ना, बाकी भी देख रहे हैं, एक ने गलत अंदाज से, उसको पता चल जाता है मुझे गलत अंदाज से देख रहा हूं, समझा? इतनी इसकी जो सेंस है वो इतनी तेज होती है। अब क्या होता है, औरत कब बेवकूफ बनती है? मतलब ये महसूस कर रही कि ये मर्द मुझे गलत देख रहा है, महसूस तो कर रही इतनी, ये मर्द के अंदर ये चीजें नहीं है, मर्द के अंदर अल्लाह ने ये चीजें नहीं रखी है, ये सिर्फ औरत के अंदर रखी है। सेंस, किस चीज को महसूस करना, उसको जल्दी पिक करना, ये औरत के अंदर अल्लाह ने रखा है। अब होता क्या है, बेवकूफ कब बनती है? जब एक औरत को मर्द ये कह देता है सिस्टर क्या हाल है, सिस्टर कैसी हो आप, बेटी कैसी हो आप, बहन जी कैसी हो आप, जब ये चंद जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं ना मर्द, तो औरत की जो सेंस होती है ना, वो जो मादा होता है जो नोटिफिकेशन देता है उसको, वो लफ्ज़ फिर भी मेरे ज़हन में, जो नोटिफिकेशन उसको देता है, वो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उम्र से जब उसने बहन सुन लिया ना, अब उससे क्या हो गई, मुतमईन हो गई, और जब मुतमईन हो जाती है उस चीज़ का फिर मर्द फायदा उठाता है, फिर औरत बेवकूफ़ बननी शुरू हो जाती है। आखिर बताएं एक औरत, और ये पैगाम पहुंचेगा औरतों को, किस मर्द को इतना इख्तियार आपके भाई को नहीं है कि वो आपके साथ गले मिलाए फलाना करे बड़े, तो एक गैर मर्द आपको बहन बना के उसको किसने ये इख्तियार दिया हुआ है? इस बातों में आकर, और ये तो मैं भाई बहन वगैरह इस नतीजे पर पहुंच कर तब जाके ये मसला, बाज दफा क्या होता है चंद जुमले सुन लिए और मुतमईन हो गए, और यहां तक कि अपने बच्चों को छोड़ के औरत चली जाती है, बेवकूफ बन जाती है, और फिर पूरी जिंदगी वो परेशान रहती है, वो भी छोड़ देता है उसको, और यहां से भी गई, पूरी जिंदगी वो परेशान रहती है। अल्लाह का वास्ता है लड़कियों, अकल से काम, लड़कियों को ये पैगाम पहुंचेगा, अल्लाह का वास्ता है।